मैं घोसी की देवतुल्य जनता को सादर प्रणाम करता हूँ। आज घोसी की देवतुल्य जनता ने संविधान बचाने के लिए वोट किया। आज घोसी के नौजवान युवाओं ने बेरोजगारी के नाम पर वोट किया। आज घोसी की देवतुल्य माताओं ने, बहनों ने महिला सुरक्षा के ऊपर वोट किया। और आज घोसी की देवतुल्य जनता ने उस बड़बोले नेता को आईना दिखाने के लिए भी वोट किया। घोसी की जनता ने इंडिया गठबंधन के एक योग्य प्रत्याशी राजीव राय के रूप में उन्होंने अपना भाई, अपना बेटा चुना, जो घोसी की जनता के सुख में, दुख में सदैव तत्पर रहे हैं। आज घोसी की जनता ने इस बड़बोले नेता के उन बयानों के ऊपर भी चोट करने का प्रयास किया जो पूर्व के अंदर हमारे पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक जो भाई बहन, उनके जो पुत्र हैं, उनके जो बेटे हैं, बेटियां हैं, जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर सम्मिलित थे और पिछले कई महीनों से लखनऊ के अंदर डेरा डाले हुए थे, उनको जिस प्रकार इन्होंने लात खाने वाला बताया था, आज घोसी की जनता ने इसी बड़बोले नेता को और उसके बड़बोले बेटे को घोसी से लतिया कर भगाने का कार्य किया। आज घोसी की जनता ने ये परिचय दिया कि घोसी की जनता निहायत ही समझदार और विकास को पसंद करने वाली जनता है। आज घोसी की जनता ने ये दिखा दिया कि हम मुद्दों की राजनीति करते हैं और मुद्दों के आधार पर वोट करते हैं। आज घोसी की जनता ने दिखा दिया हम जाति धर्म से उठकर देश हित के अंदर वोट करते हैं। आज घोसी की जनता ने दिखा दिया हम संविधान बचाने के लिए वोट करते हैं। इन बड़बोले नेताओं ने जिस प्रकार पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, दलितों को ठगने का कार्य किया था, पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों के नाम पर अपने आप पर अपने बेटों को स्थापित करने का कार्य करने का जो प्रयास किया था, आज घोसी की जनता ने उन्हें घोसी से लताड़ कर भगाया। मैं पुनः घोसी की जनता को बारंबार प्रणाम करता हूँ जिन्होंने राजीव राय जी के रूप में एक योग्य सांसद को चुना है जो आने वाले समय के अंदर घोसी के अंदर विकास की गंगा बहाएंगे।